चैनल S11 न्यूज आवाज से अंजाम तक। सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड पर दादरा नगर हवेली के अग्रणी नेता मोहन भाई देलकर जी के कर कमलों से नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट SCL का हुआ आगाज। 24 मार्च के रोज दादरा नगर हवेली सिलवासा स्टेडियम ग्राउंड पर लोकप्रिय SCL क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज दादरा नगर हवेली के अग्रणी नेता मोहन भाई देलकर के हाथों कराया गया। इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को 2.5 लाख रुपया एवं रनर्स अप टीम को 1.5 लाख रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों द्वारा हिस्सा लिया गया है और इसे IPL फॉर्मेट के अंदर खिलाया जाएगा। इस अवसर पर दादरा नगर हवेली अग्रणी नेता मोहन भाई देलकर, जिला पंचायत अध्यक्ष रमण काकवा जी, अध्यक्ष महेश गावित जी, इंद्रजीत परमार जी, युवा नेता अभिनव देलकर के साथ खिलाड़ी तथा भारी संख्या में क्रिकेट प्रेमी खास उपस्थित रहे। ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट के विजेता टीम को मिलेगा पुरस्कार 2.5 लाख रुपए का और रनर्स अप सेकंड प्राइज होगा 1.5 लाख रुपए का। मैं अनुरोध कर अगले टीम ओनर है आमली एवेंजर से प्रखर डे डेविल्स तुषार शाह, ट्रेडर्स अभिजीत महाजन, अगली टीम है सामरवनी किंग्स, पिछली बार सीजन 2 के विजेता सामरवनी किंग्स। बस्ता ब्लास्टर्स के ओनर स्मृति चिन्ह स्वीकार करते हुए ग्राउंड के ऊपर SCL सिलवासा क्रिकेट लीग का टूर्नामेंट होने जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं SCL टूर्नामेंट की जो कमिटी है, बिल्कुल लगातार ये हमारे लिए तीसरा साल है। तीसरे साल में भी एक सफल आयोजन आपने जो किया है। पिछले 2 साल से SCL का टूर्नामेंट होता है और आपने देखा कि पिछले 2 साल बिल्कुल सफलता की तरह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इस साल भी एक सफल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। मैं जैसे मैंने आगे बधाई दी, मैं टीम आयोजन की टीम को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो प्रदेश के लोगों की इच्छा और हमारे यहां के जितने भी नौजवान हैं और जो क्रिकेट खेलते हैं ऐसे खिलाड़ी हैं, उनके लिए आपने प्लेटफॉर्म प्रोविजन किया, आपने उनको अपॉर्चुनिटी दी, आपने उनको तक दी ताकि वो अच्छा क्रिकेट खेल सके। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ प्रदेश की जनता की भी इच्छा है कि यहां पर एक अच्छी क्रिकेट खेली जाए, अच्छे क्रिकेट का आयोजन किया जाए। आप हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि गुजरात का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने भी हमारे यहां एक ब्रांच दी है दादरा नगर हवेली क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से और पिछले कई दिनों से यहां पर हमारे नौजवान खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं और स्टेट लेवल पर भी गए हैं। ये बात हमारे लिए खुशी की है, ये हमारे लिए गौरव की बात है और हमने बिल्कुल ये सुविधा प्राप्त करवाई है कि हमारा SSR कॉलेज है, वहां जो ग्राउंड है वहां पर सारे हमारे क्रिकेट खिलाड़ी प्रैक्टिस करें, अच्छी क्रिकेट खेले। उन्होंने न सिर्फ हमें CPF की तरफ से सपोर्ट किया बल्कि मैंने देखा और मैं इस बात का गवाह हूं और कमिटी भी इस बात की गवाह है, इस ग्राउंड को दिलाने में या क्रिकेट जो हो रही है, ये टूर्नामेंट जो हो रही है, वह जो ग्राउंड है उसको दिलाने में सूरज जी का बहुत बड़ा योगदान है। प्रशासन ने बात करी और प्रशासन को इस बात के लिए कन्विंस किया कि इस बार इस साल भी यहां पर क्रिकेट के लिए टूर्नामेंट के लिए मैदान देना चाहिए, ग्राउंड देना चाहिए। और मुझे ये भी बताया गया कि कुछ दिनों से ये लाइट भी थी और हम लोग हमारे कमेटी के मेंबर चिंता में थे कि ये लाइट चालू होगी कि नहीं। लाइट के लिए भी, बिजली के लिए भी सुरेश जी ने कलेक्टर साहब से बात करी और ये सुविधा हम देख रहे हैं, वह उनकी उनकी कोशिश है।
तो मैं सूरज जी और सीपीएफ दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि हर साल की तरह सीपीएफ भी पूरा सपोर्ट पूरा स्पॉन्सर करके इस टूर्नामेंट में सहभागी है, साथ में है। और साथ साथ मैंने यहां से सुना कि अभिनव डेलकर ने भी काफी बड़ी जिम्मेदारी लेकर के यहां स्पॉन्सर किया है कि मैन ऑफ द सीरीज जो भी हमारा खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज तक पहुंचेगा, मैन ऑफ द सीरीज का प्राइस तक पहुंचेगा, उसको गाड़ी की व्यवस्था की है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा।